बिसम राय वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ऑल इन इंड गफान आज की वीडियो हम सीखेंगे कि मड पम्प की आउटपुट किस तरह निकालते हैं इधर एक बात याद रखें ये जिस मड पम्प की आउटपुट निकाल रहे हैं ये ट्रिपलेक्स टाइप का मड पम्प है और जब हम मड पम्प की आउटपुट निकालते हैं तो दो तरह में आती है एक बैरल पर स्ट्रोक और दूसरा जी पी एम जी पी एम मीनस गैलन पर मिनट चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं देर आर टू डिफरेंट वेज टू कैलकुलेट द मर्ट पम्प आउटपुट दीज फार्मूलाज यूज फॉर टिप्लिक्स टाइप मर्ट पंप फार्मूला नंबर वन पम्प आउटपुट इन बैरल पर स्टॉक एंड फार्मूला नंबर टू पम्प आउटपुट इन जी पी एम गैलन पर मिनट बेसिकली जब हम मर्ड पम्प की आउटपुट निकालते हैं तो उसके लिए दो फार्मूले यूज़ होते हैं फार्मूला वन में जो हम मर्ड पम्प की आउटपुट निकालेंगे वो बैरल पर स्टॉक में आएगी और फार्मूला टू से जो आउटपुट निकालेंगे वो जी में आएगी जी पी एम मीन गैलन पर मिनट और ये जो दो फार्मूला यूज़ होते हैं ये ट्रिप्लिक्स टाइप मर्ड पम्प के लिए यूज़ होते हैं अब इन फार्मूलाज़ को हम वन बाई वन देखते हैं विद एग्जाम्पल सबसे पहले आ गया मर्ड पम्प आउटपुट फार्मूला नंबर वन बाई यूजिंग फार्मूला नंबर वन वी कैन कैलकुलेट द ट्रिप्लिक्स मर्ट पम्प आउटपुट इन बैरल पर स्ट्रोक वेदर दर लाइनर डाया मीटर एंड लेंथ इन इंचिस जब हम मड पंप की आउटपुट बैरल पर स्ट्रोक में निकालते हैं तो उस सूरत में जो लाइनर का डाया मीटर होगा और लेंथ होगी वो इंचज में होनी चाहिए इधर आप पिक्चर में ये लाइनर देख सकते हैं बेसिकली ट्रिपलेक्स टाइप मड पम्प में तीन लाइनर लगे होते हैं और इनके डिफरेंट साइज होते हैं पंप आउटपुट इन बैरल पर स्टॉक इज इक्वल टू पॉइंट ट्रिपल जीरो टू फोर थ्री इंटू लाइनर डायमीटर इन इंचज होल स्क्वेयर इंटू स्टॉक लेंथ इन इंचज बेसिकली जब हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं फार्मूला नंबर वन तो इसमें हम जो लाइनर का डायमीटर लेंगे वो इंचेज में लेंगे और इसकी स्टॉक की लेंथ भी इंचज में लेंगे अब इसकी हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं ये एग्ज़ाम्पल है फार्मूला नंबर वन के लिए कैलकुलेट ट्रिपल स्मार्ट पंप आउटपुट इन बैरल पर स्ट्रोक एट हंड्रेड परसेंट एफिशियंसी फॉर अ अवन इंच लाइनर बाई ट्वेल्व इंच स्ट्रोक इधर वो कह रहा है कि ट्रिपल स्मार्ट पंप की आउटपुट निकालें हंड्रेड परसेंट एफिशियंसी के साथ और जो लाइनर का साइज है ये सेवन इंटू ट्वेल्व इंचज है सबसे पहले आ गया लाइनर डाया मीटर सेवन इंच देन आ गया लाइनर लेंथ ट्वेल्व इंच एफिशिएंसी 100 परसेंट पम्प आउटपुट हमें अननोन है तो हम फार्मूला नंबर वन यूज़ करेंगे हमें पता है कि फार्मूला नंबर वन पंप आउटपुट इन बैरल पर स्टॉक इक्वल टू पॉइंट ट्रिपल जीरो टू फोर थ्री इंटू लाइन एंड डाया मीटर इन इंचज स्क्वेयर इंटू स्टॉक लेंथ इन इंचज अभी इस फार्मूला में हम ये ऊपर वाली वैल्यूज पुट कर देंगे लाइन एंड डाया मीटर आपके पास होगा सात इंच और स्ट्रोक लेंथ होगी ट्वेल्व इंच इधर ये वैल्यूज पुट कर देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा पंप आउटपुट इज़ इक्वल टू पॉइंट वन फोर टू नाइन बैरल पर स्टोक अभी इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जो एफिशिएंसी है ये हंड्रेड परसेंट है हंड्रेड परसेंट मीन्स कि हम इसको वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो पंप आउटपुट होगी एट हंड्रेड परसेंट के साथ तो वो होगी पॉइंट वन फोर टू नाइन बैरल पर स्टॉक अभी हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हम एफिशिएंसी को चेंज करेंगे इस क्वेश्चन में वो कह रहा है कि मड पंप की आउटपुट निकालें बैरल पर स्ट्रोक में जबकि एफिशिएंसी 90% परसेंट है और लाइनर का साइज़ 6 इंटू ट्वेल्व का है सबसे पहले आ जाएगा लाइनर डायमीटर 6 इंच लाइनर लेंथ 12 इंच एफिशिएंसी 90 परसेंट और जो पम्प आउटपुट है ये अनोन है तो इधर हम फार्मूला नंबर वन सेम यूज़ करेंगे पम्प आउटपुट इन बैरल पर स्टॉक इज़ इक्वल टू पॉइंट ट्रिपल जीरो टू फोर थ्री इंटू लाइन एंड डाया इन इंचज स्क्र इंटू स्टॉक लेंथ इन इंचेज अब इधर हम वैल्यूज पुट कर देंगे जो हमारे पास लाइन एंड डाया सिक्स है और स्टॉक लेंथ ट्वेल्व है तो हमारे पास आंसर आएगा पम्प आउटपुट इज इक्वल टू पॉइंट वन जीरो फोर नाइन बैरल पर स्टोक अभी इस क्वेश्चन में वो एफिशेंसी उन्होंने नाइन्टी परसेंट दी है तो 90 परसेंट मीन्स कि हम इसको पॉइंट नाइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो पंप की आउटपुट होगी 90 परसेंट एफिशियसी के साथ वो होगी पॉइंट जीरो नाइन फोर फाइव बैरल पर स्ट्रोक इधर हमने फार्मूला नंबर वन के लिए दो एग्जाम्पल डिस्कस किए हैं जिसमें हमने एफिशेंसी और जो लाइनर का डायमीटर है उनको चेंज किया आई होप कि आपको जो मड पम्प की आउटपुट निकालते हैं बैरल पर स्ट्रोक में वो आपको समझ में आ गया होगा यूजिंग फार्मूला नंबर वन अभी हम फार्मूला नंबर टू डिस्कस करेंगे फार्मूला नंबर टू में हम जो मड पम्प की आउटपुट है उसको जी में कैलकुलेट करेंगे जी पी एम में गैलन पर मिनट बाई यूजिंग फार्मूला नंबर टू कैन कैलकुलेट द ट्रिपल स्मार्ट पम्प आउटपुट इन जी पी एम विद द लाइनर डाया मीटर एंड स्ट्रोक लेंथ इन इंचज एंड पम्प स्पीड इन एस पी एम फार्मूला नंबर टू की मदद से हम जो ट्रिपल स्मार्ट पम्प है उसकी आउटपुट निकालते हैं जी पी एम में जबकि लाइनर का डाया मीटर और स्ट्रोक लेंथ हमें इंचज में मालूम होनी चाहिए और साथ ही हमें पंप के एस पी एम पता होने चाहिए इधर आप पिक्चर में ये लाइनर देख सकते हैं ये आपके सामने ट्रिपल टाइप का मट पंप है जिसमें तीन लाइनर लगे हुए हैं तो हमारे पास फॉर्मूला होगा पंप आउटपुट इन जी पी एम इज़ इक्वल टू थ्री इंटू लाइनर डायमीटर स्क्वायर स्क्वेयर इन पॉइंट सेवन एट फाइव फोर लेंथ इन टू पॉइंट ज़ीरो ज़ीरो फोर डबल वन इंटू एस पी एम अब इधर हम फार्मूला नंबर टू के लिए एक एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे कैलकुलेट द ट्रिप्लेक्स स्मार्ट पंप आउटपुट इन जी पी एम फॉर अ सेवन इंच बाई ट्वेल्व इंच एट एटी एस पी एम इस क्वेश्चन में वो कह रहे हैं कि जो आपके पास ट्रिप्लिक्स स्मार्ट पंप है उसकी आउटपुट निकालें जी पी एम में जबकि आपके पास सेवन इंटू ट्वेल्व का लाइनर है और जो पंप की स्पीड है वो एटी एस पी एम है लाइनर डायमीटर सेवन इंचज लाइनर लेंथ ट्वेल्व इंचिस एस पी एम एटी एंड पम्प आउटपुट इन जी पी एम हमें अन है तो इधर हम फार्मूला नंबर टू यूज़ करेंगे पम्प आउटपुट इन जी पी एम इसकुल टू थ्री इंटू लाइनर डाया मीटर स्क्वेर इंटू पॉइंट सेवन एट फाइव फ़ोर इंटू स्ट्रोक लेंथ इन पॉइंट जीरो ज़ीरो फोर डबल वन इंटू एस पी एम अब इस फार्मूला में हम ये ऊपर वाली वैल्यूज पुट कर देंगे लाइनर डाया मीटर में सेवन इंच आ जाएगा और जो आपके पास स्टॉक लेंथ है ये ट्वेल्व होगी और एस आपके पास एटी है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा पंप आउटपुट इज़ इक्वल टू फोर फाइव फाइव तो इस एग्जांपल में जो आपके पास मड पंप होगा उसकी आउटपुट होगी 455.5 हंड्रेड आई होप के जो मड पंप की आउटपुट निकालते हैं जी में उसके लिए जो फार्मूला यूज़ होता है वो आपको विद एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा अभी जरा हम मर्ड पम्प की जो आउटपुट है उसकी एक समरी ले, ले लेते हैं जो आपके पास फार्मूला नंबर वन होता है इसमें आप निकालते हैं कि मर्ट पम्प की आउटपुट इन बैरल पर स्टॉक जबकि फार्मूला नंबर टू में आप मर्ट पम्प की आउटपुट निकालते हैं जी में दोनों सूरत में आपके पास जो लाइनर का डाया है वो इंचज़ में मालूम होना चाहिए और स्टॉक लेंथ भी इंचज़ में फार्मूला नंबर वन में आप डिफरेंट एफिशेंसीज पे बैरल पर स्टॉक निकालते हैं जबकि जो सेकेंड फार्मूल है उसमें आप पम्प की आउटपुट निकालते हैं जी में इस सूरत में आपके पास एस पता होने चाहिए आई होप कि इस वीडियो से जो ट्रिप्लक्स टाइप का मड पम्प यूज़ होता है ड्रिलिंग रेक पे उसकी आउटपुट किस तरह निकालते हैं बैरल पर स्ट्रोक और जी में उसके बारे में आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी और अगर आपका मड पम्प की आउटपुट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं हम ट्राई करेंगे कि जल्द अज जल्द उसका आंसर दिया जाए वीडियो देखने का शुक्रिया अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करें अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और अपना फीडबैक नीचे कमेंट्स में ज़रूर दें और साथ ही हमारे फेसबुक पेज ऑल एंड गैस इफॉर्मेशन को भी लाइक कर दें हमारे फेसबुक पेज ऑल एन इन गैस इन्फॉमेशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल ऑल एन इन गैस इन्फॉमेसन को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को क्लिक करें ताकि जैसे इस चैनल पर नई वीडियोज़ अपलोड हो वो आपकी नोटिफिकेशन में आ जाए थैंक यू अल्लाह हाफिज़